हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की जो रेसिपी है वो स्पेशली बच्चों के लिए है, क्योंकि बच्चे खाने में बहुत चूजी होते हैं। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, मतलब उनके साथ लगा ही रहता है। और स्पेशली जो मतलब जब उनको लंच या टिफ़िन बॉक्स देना होता है ना, उस समय और भी प्रॉब्लम हो जाता है कि क्या करे क्या ना करे। तो मैंने कल लंच बनाया था अपनी बेटी के लिए, जो कि बहुत टेस्टी लग रहा था खाने में। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें सूजी चाहिए होगा। तो 1 कप सूजी यहाँ मेज़रमेंट के लिए मैंने ले लिया है, जिसे पूरे गर्म कढ़ाई में हाई फ्लेम पे ही अच्छे से भून करके मतलब लगभग लाल जब ये हो जाए उतना मतलब हमें फ्राई कर लेना है। उसके बाद हम इसमें 1 इलायची को कूट के डाल देंगे। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे दूध। तो दूध यहाँ पे 1 ग्लास मैंने लिया है, 1 छोटा कटोरी सूजी था उस हिसाब से 1 ग्लास दूध। अगर दूध कम लगे, मतलब हलवा बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करने लगे दूध को, तो थोड़ा सा इसमें और आप डाल दीजिएगा। इसे हलवा नहीं हम बोल सकते, क्योंकि इसमें हम घी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल जरा सा घी हम डालेंगे बस इसके थोड़े से फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए सूजी सारे दूध को एब्जॉर्ब कर चुका है, तो बिल्कुल जरा सा घी डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। और मेरे घर में मेरे बच्चे जो है ना, वो ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं किया है। आप इसमें ड्राई फ्रूट जरूर डालिएगा। तो यहाँ पे बच्चों के लिए बनने वाली बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी बनकर के रेडी है, इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।